हेलो फ्रेंड, shashishukla.com किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों का फेवरेट डोरा केक बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं और जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट को यूज़ करूँगी आपको मेजरमेंट बताती जाऊँगी। ये देखिए 250 ग्राम के लगभग मैंने आटा और मैदा, आधा आटा है आधा मैदा है, मतलब 125 ग्राम मैंने गेहूँ का आटा लिया है और 125 ग्राम मैदा है इसको मैंने ले लिया है। और ये मैंने 125 ग्राम चीनी ली है, जितना हम मैदा और आटा लेंगे मिला के उसकी हाफ हम चीनी लेंगे और इसको हमें छान लेना है। इसी में हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, ये टीस्पून है, हाफ टी स्पून का मेजरमेंट है, इससे मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इसको हमें छान लेना है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने छान लिया है, मैंने पिसी हुई चीनी ली थी, आप भी पिसी चीनी को मिक्सी में पीस लीजिएगा। देखिए ये जो मोटा हिस्सा है चीनी का वो निकल गया है, इसको हम अलग कर देंगे। अब हम इसमें ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर का ले लिया है, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो मिल्क पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा। 2 चम्मच बड़े वाले भर के मैंने मिल्क पाउडर डाले हैं, टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और मैं 1 टेबल स्पून हनी डाल दूँगी, हनी भी मुझे 1 टेबल स्पून लेना है, मैंने हनी डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को हमें दूध के साथ मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है, जितना हमें, जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं उसी तरह हमें इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है, जैसे केक वगैरह का बैटर हम बनाते हैं वैसा ही बैटर तैयार करना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा घोल तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए एक मेजरमेंट के लिए आप स्पून सेट कर लीजिए, उसी से आप केक बनाएंगे। मैंने ये स्पून लिया है, 1/4 कप का मेजरमेंट वाला स्पून ले लिया है मैंने, इसी से मैं सारे डोरा केक एक साइज़ के ही बनाऊंगी ऐसे लेके। तो चलिए पैन रखते हैं गैस पे और गरम करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे पैन रख लिया और इसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी और ग्रीस करने के बाद हमें इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए मैंने 1 चम्मच ये भर के लिया, बाकी एक्स्ट्रा निकाल दूँगी और इसके ऊपर बीच में डालेंगे। ये जितना फैलना है ये खुद ही फैल जाएगा, हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना है फैलाने के लिए। ये देखिए मैंने डाल दिया है और इसको हमें ढक्कन से कवर कर देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम हमें रखनी है। ये देखिए अपने आप फैल गया है और स्लो फ्लेम रखनी है, नॉनस्टिक पे ही बनाइएगा। अब हम इसको धीमा करके थोड़ा सा पकने देते हैं, कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए हमें इसको पकने देना है। ये देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर बबल आ गए हैं, इसका मतलब ये घोल बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। अब हम इसको हल्का सा उठा के देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए ऐसा कलर आ जाना चाहिए, कितना सुंदर कलर आया है। और हम पलट के भी इसको 25 से 30 सेकंड के लिए सेकेंगे, जब तक ऊपर से बिल्कुल ऐसा आप उंगली से ऐसे छू के देखेंगे, जब तक वो चिपकना बंद ना हो उसके बाद ही आप पलटेंगे। जब चिपक नहीं रहा ऊपर की परत तो हम इसको पलट देंगे। तो थोड़ी देर हम इसको भी पकने देते हैं, फिर हम अपना डोरा केक निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक केक हमारा डोरा केक तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा भी अपने पैन पे डाल लेंगे, हल्का सा ग्रीस करके इसको हमें पोंछ लेना है और फिर वही मेजरमेंट हमें रखनी है। ये देखिए जितनी मैंने पहले रखी, बाकी एक्स्ट्रा निकाल दीजिए और वैसे ही डाल दीजिए, आपको फैलाना नहीं है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम को तेज़ बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और पकेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, फिर से इसको ढक देंगे और वैसे ही पकाएंगे। ऐसे हम सारे पहले केक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 2 डोरा केक तैयार कर लिए हैं, बाकी के मैं बनाती रहूँगी। और ये चॉकलेट मैंने गनाश तैयार किया था चॉकलेट को मेल्ट करके, आप चाहें तो न्यूटेला भी लगा सकते हैं या आपकी जो भी पसंद हो, आपको व्हाइट क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरेमोन चॉकलेट वाला डोरा केक खाता है तो बच्चों को वही पसंद है। तो मैं इसको लगाऊंगी नीचे वाली परत में, जो हमने बाद में नीचे पलटी थी उस परत पे हमें इसको अच्छे से लगा लेना है, बिल्कुल अच्छे से फैला लेना है। थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, बच्चों को पसंद आता है चॉकलेट। और फिर हम इसके ऊपर अपना ये हिस्सा ऊपर रहेगा
और हम इसको ऐसे रख लेंगे। ये देखिए हमारा डोरा केक तैयार है, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हम इसको काट लेते हैं, काट के आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना है। ये देखिए हमारा डोरा केक रेडी है। ये देखिए फ्रेंड हमारा डोरा केक रेडी है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप चाहें तो डाल दें, मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ, थोड़ा सा ये ड्रॉप यहाँ डाल के और ऐसे खींच दूँगी, थोड़ा सा इधर भी ड्रॉप डाल के, ये मैंने आपको प्लेटिंग के लिए बताया है, और ऐसे खींच दूँगी। बस ये हमारा केक रेडी है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप रेसिपी को फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको थोड़ा हेल्दी वर्जन दिया है क्योंकि आटा भी मिक्स किया है, आप चाहें तो पूरा आटा भी मिक्स कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों को आटा ही वाला बना के खिलाती हूँ, मैदे वाला कम ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।